आज करुणा ये हुई राष्ट्र की कि संत जो है वो राजा के बराबर आ गए, एक आसन नीचे उतर गए। और उससे भी अधिक करुणा तो तब हुई जब मेरे राष्ट्र का संत राजा के सामने याचक बनकर खड़ा हुआ, कहने लगा कि मुझे विधानसभा और लोकसभा का टिकट दे दो। लो, ये करुणा है राष्ट्र। और अति तब हुई जब साहब बात मानना तो दूर सुनी भी नहीं गई। हम क्या थे और क्या हो गए ये विचार करो। आज इस राष्ट्र का संतत्व कहीं खतरे में खड़ा है। नहीं साहब, वो मांगता नहीं था, उसकी दातारी थी। वो तो राजा को दिशा निर्देश देते थे कि ऐसा करोगे तो ये होगा और ऐसा करोगे तो ये होगा, करना तुम्हें है। और उनकी बात सुनी जाती थी साहब। याद करो दधीची को, कैसी दातारी, अपने शरीर की अस्थियां भी वज्र बनाने के लिए दे दी इंद्र को। ये थी दातारी। मैं याद करूं स्वामी राम तीर्थ को। स्वामी राम तीर्थ एक बार विदेश यात्रा में गए, विदेश से लौट रहे थे, बहुत डॉलर उन्हें लोगों ने दिए। स्वामी रामतीर्थ ने अपना वस्त्र फैला दिया, सबने उसमें डॉलर डाले, कंधे पर रखे, रखकर लेकर थोड़ी दूर चले और फिर सबको कहा कि जिसने जो डाला था वो ले लो। कहा स्वामी जी आपने इसे स्वीकार नहीं किया। बोले स्वीकार किया, तभी ना इतनी दूर लेकर चला, पर मेरे काम का नहीं। क्यों? बोले मुझे आवश्यकता भी नहीं। स्वामी रामतीर्थ अपने आप को बादशाह राम लिखते थे कि मैं उस राम की संतान हूं, मेरा पिता वो है, इसलिए मैं बादशाह हूं। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि जगत में जितने भी बैंक हैं वो सब मेरे पिता ने बनाए। मेरे पिता ने सबको अलग अलग काम दिया है, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, मेरी व्यवस्था मेरा पिता करता है। ये दातारी, ये फकीरी। और कथा कहती है कि जब वहां से लौट रहे थे उस समय पानी के जहाज से आना जाना पड़ता था, तो स्वामी रामतीर्थ जहाज में चढ़े। जहाज के कप्तान ने कहा कि स्वामी जी आज अद्भुत संयोग है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले आज इस जहाज में दो बादशाह जा रहे हैं। कहा कि दो बादशाह कौन? बादशाह तो मैं अकेला हूं, ये फकीर। तो कोई वायसराय, कोई गवर्नर विदेश से हिंदुस्तान आ रहे थे, अंग्रेजों का समय था। तो उस कप्तान ने बताया कि स्वामी जी फलाना वायसराय जा रहा है, हिंदुस्तान का वो बादशाह है। इतना सुना रामतीर्थ ने। और कथा कहती है कि जहाज चलने को और स्वामी रामतीर्थ उस जहाज से कूदकर नीचे आकर खड़े हो गए। कप्तान ने कहा कि स्वामी जी करते क्या हो? अरे ये जहाज जाने को है और आप नीचे उतर गए। स्वामी रामतीर्थ ने कप्तान को उत्तर दिया कि कप्तान
एक जहाज में एक ही बादशाह जा सकता है, या तो तेरा वो बादशाह जाएगा या फिर ये बादशाह जाएगा। मैं उस बादशाह के साथ जा नहीं सकता, बादशाह तो मैं ही हूं। ये फकीरी आज समाज में गौण हो गई साहब। पता चल जाए नेताजी आने वाले हैं तो संत चक्कर लगाने लगता है, फोटो खींच जाए। फोटो खिंचाने के लिए पता नहीं कितनी यात्रा बिचारे करते हैं। मैं एक बहुत बड़े महाराज के यहां गया, नाम नहीं बताऊंगा, ये भी गए थे मेरे साथ, बहुत बड़े। तो मैंने जाकर देखा वहां बहुत सारे फोटोग्राफ लगे हुए हैं और एक फोटो हमारे देश के एक प्रधानमंत्री के साथ उनका चाय पीते हुए फोटो। मैंने देखा वो फोटो उनके मठ में लगा हुआ, बहुत बड़ा फोटो बना के लगाया हुआ। हम देख कर वापस आ गए। फिर संयोग ये हुआ कि जब हम उस मठ में गए तब महाराज वहां नहीं थे, महाराज कहीं प्रवास पर थे। और साहब फिर वो मुझे एक कथा में वो आए, मैं कथा कर रहा था तो वो आए कथा में, तो हमारी थोड़ी देर कथा में वो रहे, आशीर्वाद दिया और फिर जहां मैं ठहरा था वहां वो गए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा महाराज जी मैं, आप नहीं थे, मैं आपके वहां गया था, आप बाहर थे। तो महाराज जी ने मेरे से पहला प्रश्न यही किया कि वहां देखा तुमने मेरे यहां एक फोटो लगा हुआ है प्रधानमंत्री के साथ। मैंने कहा वो देखा लेकिन अच्छा नहीं लगा मुझे। बोले क्यों? मैंने कहा कभी इस देश का प्रधानमंत्री मुझे अपने यहां बुलाए और उसके यहां मैं आपका फोटो देखूं तो प्रसन्नता हो, लेकिन आपके यहां आपके आश्रम में यदि मैं उस प्रधानमंत्री का फोटो लगा देखूं तो कोई गौरव की बात नहीं। ये फकीरी खत्म। अरे प्रधानमंत्री लगाए तुम्हारे फोटो तब तो बात समझ में आती है, तुम जेब में रखकर घूम रहे हो नहीं साहब।